नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसान संगठन सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी किसानों के समर्थन में आ गई है। आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट ने कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर देश के किसानों को खेत छोड़कर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये समय खेती के लिहाज से व्यस्तता का समय है, धान काटने का समय है, लेकिन किसान प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली के सीएम ने कहा, आज दुख के मौके पर प्रदर्शन करने आए हैं। कृषि कानून के जरिए सरकार खेती को किसान से छीनकर कंपनियों को देना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद जब अनाज की दिक्कत थी, तब कंपनियां नहीं किसान काम आया था और हरित क्रांति की थी। दिल्ली के सीएम ने कहा, साल 2014 में चुनाव से पहले बीजेपी ने वादा किया था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। रिपोर्ट कहती है न्यूनतम समर्थन मूल्य डेढ़ गुना होगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एमएसपी खत्म कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि पूरे देश में केवल 6% एमएसपी पर लेती है सरकार। ये तो और शर्म की बात है। हमने सरकारी स्कूल अस्पताल बंद नहीं किए बल्कि ठीक किए। ऐसा ही इनको करना चाहिए था। एमएसपी में इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है। इस दौरान केजरीवाल ने कांग्रेस और अकाली दल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों के पंजाब में एक राष्ट्रीय पार्टी है। उस पार्टी का बहुत बड़ा नेता उस मीटिंग में था जिसमें कृषि कानून बने, और वही अब ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं। दूसरी पार्टी बिल पास करवा कर इस्तीफा दे रही है। ये दोनों नाटक कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम ने कहा कि हम मांग करते हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए, एमएसपी पर कानून लाया जाए कि 100% फसल एमएसपी पर उठेगी और लागत का डेढ़ गुना एमएसपी दिया जाएगा। बता दें कि कृषि से जुड़े 3 विधेयक, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन बिल कानून बन चुके हैं। किसानों के विरोध के बावजूद सरकार पीछे हटने के मूड में ही नहीं दिख रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।